तो हेलो भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली यदि आप कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीवी के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं स्टेज टू के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को किसी भी हाल में स्किप मत करिएगा या छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, क्या कैसे अपलोड करने, अगर कुछ भी गलती हुई तो फिर आपको आने वाले स्टेज में बहुत ही दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे अपलोड करने हैं कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो फटाफट सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एप्लीकेशन प्रीव्यू का, ठीक है, और साथ ही में अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर स्टेज टू। अभी हम इन दोनों पे हमें क्लिक नहीं करना है। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है, क्लिक हियर फॉर लिस्ट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टेज टू। पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उन्हें देख लेना, एक बार इसको खोल के पढ़ लेना, उसके बाद तब कैसे अपलोड करना है सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप स्टेज टू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो तो निम्न जो है डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका लगेगा एसटीएससी ओबीसी का, नॉन क्रीमी लेयर का, या फिर ईडब्ल्यूएस का आपका जो सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया था, मतलब जो लास्ट डेट था फॉर्म फिलिंग का उससे पहले का होना चाहिए, आपने ऑलरेडी बनवा के रखा होगा, और उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर वगैरह था वो आपने दिया भी होगा एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो वही वाला अपलोड करना है आपको। दूसरी चीज ये है कि क्लास टेंथ की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है और क्लास टेंथ का सर्टिफिकेट। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्लास दसवीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जिनके पास दो अलग अलग चीजें नहीं है तो सर्टिफिकेट की जगह पर भी आपको मार्कशीट ही लगानी है, अगर नहीं है आपके पास तब, अगर है तो दोनों अलग अलग लगाओगे। ठीक है, उसके बाद ये तो देखो डीडी वालों के लिए है, जीडी वाले अगर जीडी हो तो ट्वेल्थ की भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो ट्वेल्थ की मार्कशीट ही आपको लगानी है, ठीक है, सर्टिफिकेट की जगह पर भी। चलो फार्मूला ऑफ कन्वर्जन सीपीए वाला देखो, पीछे जैसे मान लो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, ठीक है, तो सीजीपीए वगैरह जैसे अगर पहले का आपका वो मार्कशीट है 2015-16 का दसवीं का, तो उसमें सीजीपीए सिस्टम चलता था, ग्रेडिंग चलती थी, तो वो पीछे का फोटो खींच के भेज देना, पीछे दिया रहता है कैसे ग्रेडिंग वगैरह होती है। फिर एनओसी वगैरह अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, इम्प्लॉई हो, तो वो सब लगा सकते हो, ठीक है, लगाना पड़ेगा। एडिशनल मार्कशीट अगर कोई दसवां का है तो एप्लीकेबल है तो वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो तैयार रखना है। कैंडिडेट अपलोडिंग रेसिडेंट जो सर्टिफिकेट होगा आपका, इन प्लेस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये मान्य नहीं होगा। रेसिडेंट मतलब जैसे मान लो कि आपको परमानेंट वाला आपको लगाना है, रेसिडेंट मतलब आप जहां पर रह रहे हो, कहीं दूर मान लो रह रहे हो, आप वहां का सर्टिफिकेट बना के लगाते हो तो नहीं मान्य होगा। आपको क्या लगाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जहां का वो परमानेंट एड्रेस हो वो मान्य होगा। ठीक है, ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही लगाना पड़ेगा आपको। उसके बाद टू बी अपलोडेड ओनली अवेलेबल हाइट रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग देखो जब हाइट रिलैक्सेशन वगैरह अगर मांगता है तब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, जैसे जब हाइट का रिलैक्सेशन आप लेना चाहते हो तब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, वरना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप जो है जीडी से हो तो ट्वेल्थ की मार्कशीट और वही एडिशनल मार्कशीट वगैरह जो कुछ भी, कुछ खास नहीं है, वापस आ जाओ यहाँ पे। अब चलते हैं अपलोड की तरफ। ठीक है, अपलोड करके देखते हैं क्या क्या कैसे अपलोड करना है। इस पर क्लिक करना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आपको स्टेज टू के लिए। ठीक है, चलो नीचे आ जाओ जरा, ये सारी चीजें पढ़ लेना कि फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, ठीक है, वो किस फॉर्म में होगा, ब्लर नहीं होना चाहिए, सारी चीजें ये पढ़ लेना। ठीक है, मैं पढ़ के आपको बता नहीं सकता, बस ये बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। चलो अपलोड करना अपना शुरू करना। ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर लेना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये जो कैंडिडेट हैं ये ओबीसी हैं, तो इनका ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने के लिए कह रहा है। ईडब्ल्यूएस हो गए तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पे दिया होगा, एसटीएससी हो गए तो एसटीएससी यहाँ पे दिया होगा। जनरल अगर हो गए तो ये वाला कॉलम आप में नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने के लिए जनरल में नहीं आएगा, क्योंकि उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता है। दूसरी चीज है अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, देख लो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगाना है, दसवीं का मार्कशीट, दसवीं का सर्टिफिकेट। ठीक है, मैंने बता दिया मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम होना चाहिए। ठीक है, If the board is issuing only 10th class mark sheet and not the 10th class pass certificate, then the candidate to be uploaded class mark sheet for the 10th class certificate. देख लिए, सेम चीज जो मैं कह रहा था वही चीज। उसके बाद 12th की mark sheet, उसके बाद नीचे आ जाओ, अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर डिप्लोमा वगैरह अगर कर रहे हो, डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट लगा देना। उसके बाद ठीक है, ये डिप्लोमा वाले देख लेना, सेमेस्टर वाइज आपको सारे जो है रिजल्ट आपको लगाने हैं, यहाँ पे देख लो मार्कशीट सारे लगाने। ठीक है, और सेव कर देना, आपका हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है, और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने, बस यही डॉक्यूमेंट आपको लगाना है और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद एक चीज बचता है फिजिकल के लिए। अच्छा, एक चीज स्टेट गवर्नमेंट का मत लगाना, पहले ही मैंने कहा था, उम्मीद करता हूँ आप सेंट्रल का ही बनवाए होंगे, अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो तो। ठीक है, एसटीएससी वालों के लिए स्टेट गवर्नमेंट का चल भी जाता है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का नहीं चलता है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, बहुत ईजी है। ठीक है,
और हाँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने हैं ले जाने के लिए, उसके लिए मैं वीडियो बाद में करूंगा जब आपका डेट आ जाएगा फिजिकल का। पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लो, फिर जब फिजिकल का डेट आएगा उसके बाद मैं आपको जो है बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने के लिए तैयार रखने हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो और करूंगा, उसमें फिजिकल के बारे में सारी चीजें बताऊंगा कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक और जितना शेयर कर सकते हो शेयर करिए, ताकि सबको जो है ये वीडियो मिल जाए, सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए जो जरूरतमंद है। और साथ ही में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।